एवरीवन वेलकम टू रारा। आज मैं लैक्मे 95 वेटलेस मूव फाउंडेशन वर्सेस लैक्मे एब्सोल्यूट फेस कंटूर करीना कपूर खान जो फाउंडेशन है इसका रिव्यू कर रही हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि ये है 1300 रुपए का और ये है सिर्फ 575 रुपए की, और ये शायद अब सस्ती हो गई है। वेटलेस मूव फाउंडेशन शेड नंबर 01 रोज आइवरी और 29 ग्राम यानी कि 29 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 5 ग्राम है, जी हाँ 5 ग्राम, एंड 01 शेड ये भी है, और दोनों की शेल्फ लाइफ 2 ईयर है। लेकिन इसमें मूजी फॉर्मूला निकलता है और ये एक स्टिक बेस्ड फाउंडेशन है। मैं बता दूं ये कहीं ना कहीं फुल कवरेज फाउंडेशन देता है, फुल कवरेज देता है ये वाला फाउंडेशन, ऐसा लैक्मे बोलते हैं, और फ्लॉलेसली ब्लेंड हो जाता है। और ये है लैक्मे 9 to 5 मूज फाउंडेशन, जी हाँ वेटलेस मूज फाउंडेशन, और ये बहुत ही मूजी मूजी टेक्सचर है इसका। लेकिन इसकी जो शेड है वो एक है रोज आइवरी और दूसरा शेड है बेज वनीला, ये दोनों फेयर स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। और रही बात इसकी, तो ये हल्का सा स्टिकी है जो लैक्मे एब्सोल्यूट करीना का जो फेस कॉन्टोर है, आप देख रहे हैं इसकी कवरेज ये है कहीं ना कहीं 3-4 लेयर लगाने के बाद, और ये है मूज फाउंडेशन, और स्किन में ऐसे एफर्टलेसली ये ब्लेंड होता है, बिल्कुल मक्खन है ये मक्खन। जिसने भी मूज फाउंडेशन लगाया होगा उसे पता होगा कि मूज फाउंडेशन जो है वो क्या होते हैं, बिल्कुल सिलिकॉन बेस बहुत ही अच्छे एंड ग्रेट फाउंडेशन होते हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी कमाल की है, आपको इसकी फ्रेग्रेंस से प्यार हो जाएगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इसकी फ्रेग्रेंस है। और इसको लेने बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, और शेड में आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपका इंडियन स्किन टोन है, फेयर स्किन टोन है, तो मैं आपको बेज वनीला बोलूंगी, बेज वनीला इसका शेड लीजिए दोस्तों, आइवरी फेयर नहीं, और क्योंकि ये पिंक स्किन टोन के लिए है और ये आइवरी क्रीम फेयर स्किन टोन के लिए है। लेकिन ये आप थोड़ा बहुत ड्राई स्किन वाले ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, बिकॉज ये 1300 रुपए का है और प्रोडक्ट क्वांटिटी कम है, तो कहीं ना कहीं स्टेइंग पावर मूज फाउंडेशन की अच्छी है, और इसकी भी ठीक है, लेकिन इसकी स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है, और रीअप्लाई कर लेते हो तो और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और इन दोनों में आप मुझसे पूछेंगे, मैं सीधे सीधे आपको बोल रही हूँ दिस इज द बेस्ट, मेरे लिए ये बेस्ट है, आप ये ट्राई करिएगा। अगर आपको इन दोनों में पहले लेना हो, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो आउटलेट पर जाकर पहले टेस्टर देखिए, उसके बाद लीजिएगा, कहीं आपको हो सकता है बाद में रिग्रेट हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे अनदर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट, और मेरे लाइव वीडियो में जरूर आया करिए, फेरी की वो बाबू बोलने वाली वीडियो जरूर देखिएगा।